आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, जदयू दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी आरएसएस के साथ गुप्त बैठक कर रही है। ऐसे में किसी अच्छे नेता से इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम मौजूद हैं कभी जदयू में रहने वाले आज़ाद गांधी से कि आखिर क्या जब ये थे तब भी ऐसा होता था और लोग कहते थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। सर, जदयू दावा कर रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और बीजेपी आरएसएस के साथ गुप्त बैठक कर रही है। देखिए, जब 370 धारा पार्लियामेंट में लाया गया इस पर नीतीश कुमार जी कहते कि हम इस 370 धारा का हम विरोध करते हैं जी। इसको हम पार्लियामेंट में जो है पास नहीं होने देंगे, हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग हैं इसका विरोध करेंगे जी। अंतोगत्वा वह विधेयक पारित हो गया जी। कश्मीर के मुद्दा पर 370 दफा हटाने का जो मुद्दा पारित हो गया जी। जब पुनः नीतीश कुमार जी से पूछा गया कि भाई आप बोले थे कि इसका हम विरोध करेंगे जी, तो फिर उनका जवाब था कि जो एनडीए का निर्णय था उसके साथ हम लोगों को रहना था जी। तो हमको नहीं लगता उनके कथनी और करने में काफ़ी डिफरेंस है जी। कि बोलते कुछ है करते कुछ है, कभी उनका स्टैंड क्लियर किसी मुद्दे पर आदरणीय नीतीश जी का नहीं रहा है जी। जब देखिए, एक तरफ जब एक रथ लेकर करके आडवाणी जी जब बिहार में आए थे तो सेकुलर शक्ति को मजबूत करने के लिए वही नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं जिसको समस्तीपुर में आडवाणी जी के रथ को रोक लिया जी। बहुत बड़ा हिंसा बिहार में फैलने वाला था, बचाए लालू प्रसाद यादव जी। आज जो है कृष्ण मेमोरियल हॉल में 370 दफा के जो लगा है धारा के लिए, इसके लिए काफ़ी मंत्रणा हुआ कृष्ण मेमोरियल हॉल में जी। और नीतीश कुमार जी का इस पर एक टिप्पणी नहीं आना बिहार के लिए दुर्भाग्य है जी। कभी ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये पता नहीं चलता कि किस धारा के लोग हैं। अगर आज हमारी सरकार रहती, तेजस्वी यादव जी की सरकार रहती तो इस इन विषयों पर बिहार की राजधानी जहाँ सेकुलर स्टेट कहा जाता है, यहाँ कम से कम हिंदू और मुस्लिम तमाम लोगों का समान अधिकार है, लालू जी इस चीज़ को जिंदा रखे इन बातों को, और कभी ऐसा होने नहीं दिए हिंदू और मुस्लिम, कभी राइट लालू यादव जी के शासनकाल में नहीं हुआ जी। और एक राजनाथ सिंह का आना और 370 हमने कश्मीर में यह कर दिया, कश्मीर में वह कर दिया, कश्मीर के जो हालात जो है लोग दवाई के लिए मोहताज हैं, वहाँ जो है सेटर नहीं खुल रहा है, वहाँ ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिव नाम का चीज़ नहीं है, सैनिकों का समझिए कि पूरे शहरों पर कब्जा है, अगर किसी को कहीं एयरपोर्ट जाना है तो कम से कम 4-5, 10-20 जगहों पर चेकिंग बैठाया गया है, कोई ज़रूरी काम से कश्मीर के शहरों पर नहीं निकल रहे हैं, और एक तरफ भारत की सरकार कह रही है कि अमन चैन से लोग रह रहे हैं, वहाँ खाने खाने के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। आपकी शासन थी, 5 साल पहले भी शासन थी, तो आपने कश्मीर के विकास के लिए क्या किया? आखिर कश्मीर में जब आतंकवाद बढ़ रहा है तो आतंकवाद रोकने के लिए आपका क्या प्रयास था? आप वहाँ के गरीब नौजवान बेरोजगार अकलियत मुसलमानों को कोई रोजगार नहीं मिला, कोई इंडस्ट्रीज नहीं मिला, जो स्पेशल पैकेज के नाम पर कश्मीरी लोगों को ठका गया, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। ये नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने का कोशिश करता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ आवाज हो या नीतीश कुमार जी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो उसको टॉर्चर किया जाता है और डराया धमकाया जा रहा है। लगता है कि यह भारत जो है आजाद भारत नहीं है, यह गुलाम भारत है। अगर इस तरह से डेमोक्रेटिक में रहेगा तो हिंदुस्तान का जो संविधान का जो निर्माण किया था उनकी आत्मा भटक जाएगी और देश के लिए दुर्भाग्य
पूर्ण बातें होगी। कल रक्षा मंत्री बिहार आए थे, जितनी देर उन्होंने बोली बिहार की कहीं चर्चा नहीं हुई, सिर्फ कश्मीर, ट्रिपल तलाक, चाहे पाकिस्तान की बात हो कि आतंकवादी जितने भेजेंगे हम मार देंगे ये, लेकिन बिहार के विकास की बात, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात, ये सारी बातें नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि जदयू से बीजेपी का कुछ स्टैंड अलग है? देखिए, हम तो साफ आपको कहना चाहते हैं, यही नीतीश कुमार जी थे, ये कहा करते थे कि बिहार के स्पेशल पैकेज अगर कोई भी देगा तो हम उस सरकार का हम समर्थन करेंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हैं, तो जब नीतीश कुमार जब साथ हुए तो अभी तक स्पेशल पैकेज की चर्चा नहीं की है। स्पेशल पैक बिहार को स्पेशल पैकेज के लिए गांधी मैदान में एक विशाल रैलियां हुई, लाखों लोग आए उनके नेतृत्व में, इसलिए कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। गांव घर से लोग आया, काफ़ी बिहार अविकसित है, इंडस्ट्रियां बंद है, इसकी चर्चा नीतीश कुमार जी नहीं उठा रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का स्ट्रेंथ कहाँ गया? बिहार को विशेष दर्जा की बात अब तो भारत सरकार में है, सहयोगी हैं सरकार का, समर्थन से आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, अब इनका कहाँ स्ट्रेंथ गया? आप सुने होंगे हमेशा चर्चा करते थे कि बिहार के लिए हमको काफ़ी चिंता है, बिहार के लिए हमको काफ़ी दर्द है। नीतीश कुमार जी, कैसा दर्द है भाई आपको? आप अभी भारत सरकार में हैं, आपका आपके बल पर केंद्र की सरकार चल रही है, और जब से आप सरकार में आए हैं एक बार चर्चा नहीं किए हैं बिहार राज्य को दर्जा देने की बात। तो इसका मतलब है कि जो विगत जो रैलियां हो रही थी, जो कि आपने रामलीला मैदान में भी बड़ा रैली हुआ था विशेष राज्य के दर्जा के लिए, आप जानते होंगे, और यही मुद्दा था। तो इसका मतलब है कि जनता को बुड़बक बनाने का ही कहानी रच रहे हैं। विकास यहाँ मुख्यमंत्री जी या बिहार के मंत्री या बिहार के जितने भी सांसद हैं, ये सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। उनका मेन जो आगमन हुआ था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जो आगामी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, हम जनता को कैसे ठग कर करके बिहार में अपना शासन कायम करें, और विकास की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। सर, उपचुनाव का दिन निर्धारित हो गया है और सभी पार्टियां दावे कर रही है, अभी जीतन माझी ने दावा किया है कि 2 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्या 2 सीट उनको दिया जाएगा? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सभी दलों से मंथन किया है, मंथन चल रहा है, जो चूंकि महागठबंधन के आदरणीय तेजस्वी यादव हम लोग के नेता हैं, और जो उनका निर्णय होगा तमाम नेताओं को मान्य होना चाहिए। सर, बीजेपी ने कहा था कि बिहार में NRC लाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बिहार में NRC लागू करना चाहिए? देखिए, कई ऐसे स्टेट हैं जो NRC को लागू नहीं कर रही हैं। अगर बीजेपी चाह रही है कि NRC लागू होना चाहिए तो इससे बिहार को क्या फायदा होने वाला है? तो हम लोग NRC का विरोध करते हैं जी। आगे भी करिएगा? आगे भी करेंगे, इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। एक आखिरी सवाल है सर, कि आपके नेता के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो बीजेपी के एजेंडे पे चल रहे हैं, अपने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं मान रहे हैं, ऐसे में 2020 में क्या कुछ गेम परिवर्तन होगा, क्या कुछ नया गेम आएगा? देखिए, 19 तारीख को बिहार में कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जी हजारों लोग जुटे थे जी। हमारे नेता ने साफ क्लियर कहा है कि लालू यादव को चाहे जो आफत आ जाए, हम सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं जी। लोग कई लोग चाह रहे हैं कि जो है पार्टी बिखर जाए, पार्टी टूट जाए, ये सिर्फ अफवाह है जी। हमारा जो स्ट्रेंथ है राष्ट्रीय जनता दल का जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो पहले से जो गठबंधन बना था वही गठबंधन पूर्वत रहेगा, हम लोग उसी बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को कहीं
तो एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, हमारा एजेंडा अलग है, हमारा एजेंडा सेक्युलरिज्म का है, हमारा एजेंडा विकास का है, हमारा एजेंडा शिक्षा के सुधार का है, हमारा एजेंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का एजेंडा है, इसको हम जीवित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।